शादी का झांसा देकर एक युवती को 1,36,000 रुपयों का चुना लगाया गया। अजनी पुलिस ने 28 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर बंगलुरु निवासी राहुल जय बवीन और उसके 4 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पीड़िता ने विवाह के लिए भारत मेट्रो मनी साइट पर अपना प्रोफाइल अपलोड किया था। वहीं से आरोपी को पीड़िता का नंबर मिला। उसने 4 फरवरी को पीड़िता के मोबाइल पर संपर्क किया। मेट्रो मनी साइट पर प्रोफाइल देखने की बात कही और इंजीनियर होने की जानकारी दी। उसने बताया कि वह अमेरिका की कंपनी में काम करता है और ईरान में चल रहे काम का प्रोजेक्ट मैनेजर है। दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। इसी बीच राहुल ने पीड़िता को बताया वह भारत में सेटल होने वाला है। वह अपना सामान प्लेन से दिल्ली भेज रहा है। इसके बाद अलग अलग लोगों ने पीड़िता को फोन किया और राहुल का सामान दिल्ली एयरपोर्ट पर स्कैनिंग करते समय 90,000 US डॉलर भारतीय करेंसी के अनुसार 66 लाख मिलने की जानकारी दी। उसे एक्सचेंज करवाने के लिए 51,500 रुपए भरने पड़ेंगे। पीड़िता ने बताए गए खाते में रकम डाल दी। इसके बाद आरोपियों ने अलग अलग शुल्क के बहाने पीड़िता से कुछ 1,36,000 रुपए खाते में जमा करवाए। इसके बाद राहुल और आरोपियों का फोन बंद हो गया। पीड़िता ने मामले की शिकायत अजनी पुलिस थाने में की। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच आरम्भ की है। एक महिला है 28 वर्ष की, पुलिस अजनी के हद में रहने वाली। कल उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके तकरार दिया है। उन्होंने भारत मेट्रो मिनी साइट पे अपना अकाउंट खोला था। वहाँ पे उन्होंने अपना आईडी ओपन किया था। उनको वहाँ पे एक राहुल जय बवीन इनके एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी और उन्होंने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। उसके बाद में दोनों की व्हाट्सएप के ऊपर में बातचीत चलती थी। कुछ दिन पहले राहुल जय बवीन इन्होंने खुद का परिचय ऐसा दिया था कि वो प्रॉपर बेंगलोर का रहने वाला है और अभी वो अमेरिकी के एक एम्पायर कंस्ट्रक्शन कंपनी वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर है जिसका हेड ऑफिस वाशिंगटन अमेरिका में है और वो उस कंपनी का काम ईरान में देखते हैं और उनकी जो माँ है वो कैलिफोर्निया में रहती है। तो उन्होंने कहा था कि उनके पिताजी की इच्छा है कि उनको भारत में सेटल होना है, इसलिए वो भारत में आना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने वहाँ से 2 बैग लगेज भेजा है और वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए फिरियादी को बोला था। फिरियादी ने वो बैग एक्सेप्ट करने के लिए उनको कुछ पैसे की डिमांड की गई थी कुरियर से और कुछ अकाउंट नंबर दिए गए थे। वहाँ पर फिरियादी ने कुछ पैसे भरे। उसके बाद में फिर उनको और व्हाट्सएप मैसेज आया है कि उसके अंदर में 90,000 US डॉलर यानी 66 लाख इंडियन करेंसी है, उसको छुड़ाने के लिए कुछ पैसों की डिपॉजिट करने हैं और वो पैसे छुड़ाने के लिए फिरियादी ने फिर से कुछ दिए हुए अकाउंट नंबर में पैसे पेड कर दिए हैं। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में आरोपी ने उनको बताया कि मैं भारत में आया हूँ लेकिन वो कुछ कारण से उसे दिल्ली इंटरनेशनल में डिटेन किया है और इसलिए उसका मास्टर कार्ड ये बंद कर दिया गया है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, BCN न्यूज़ नागपुर।